हो लो जी गाइस, बहुत एक तड़कती फड़कती न्यूज लेके आए हैं भाई, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद हमारे मिनिस्टर साहब, आईआरसीसी मिनिस्टर साहब, हमारे सीन फ्रेजर जी, वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्या अनाउंसमेंट है, क्या है भाई वो? कह रहा है इमिग्रेशन के बारे में अनाउंसमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये अनाउंसमेंट किस चीज के बारे में होने वाली है, क्या होने वाली है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और करंटली अभी क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है जी, तो भाई बहुत 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 इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आपका वीकेंड गाइस और भी जबरदस्त बन जाएगा। बाकी गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप काफी सपोर्ट कर रहे हो जी, प्यार दे रहे हो गाइस, तरह तरह की न्यूज आ रही है जी कैनेडा इमिग्रेशन को लेके। ठीक है जी, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हाँ जी भाई वीजा नहीं आ रहा भाई, वीजा धड़ाधड़ आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ठीक है जी, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखो सारे। ठीक है जी, अगर आपने फाइल अपनी अच्छी तरीके से लॉन्च की हुई है भाई, वीजा तो आ रहे हैं, धड़ाधड़ वीजा आ रहे हैं। उन चीजों के लिए गाइस हम रोज लाइव भी जाते हैं। ठीक है, इंडिया के हिसाब से 11:30 AM, कनाडा के हिसाब से 11:30 AM और कनाडा के हिसाब से 2 AM। ठीक है जी, तो गाइस अब उस चीज में हम काफी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वो है फैमिली इमिग्रेशन, फैमिली रीयूनिफिकेशन। गाइस उस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने गाइस बहुत पहले बोला था कि इस चीज पे वर्कआउट किया जाएगा, इस चीज को स्ट्रेंथन किया जाएगा, इस पे ध्यान रखा जाएगा। तो गाइस आज हमारे आईआरसीसी मिनिस्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं 1:30 PM। तो गाइस देखते हैं जी क्या उसमें गाइस अनाउंसमेंट में क्या होगा। ये माना जा रहा है जी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए जाएंगे गाइस, जो कि सबको बेनिफिट करेंगे। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ जी भाई प्लान किया जा रहा है कि TRV इश्यू किए जाएंगे उन लोगों को जो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, ठीक है, मैं PR हूं, मैं कैनियन सिटीजन हूं यहाँ पे, बट अभी रिजल्ट नहीं आया, तो मैं उनको TRV उनको इश्यू किया जा सकता है ताकि वो इकट्ठे हो सके। तो गाइस ये बहुत, अगर ऐसा हो गया ना, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट न्यूज गाइस ये मई के लिए होगी। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए गाइस। और इसके साथ अगर मैं आपको बता भी देता हूं जी, फैमिली इमिग्रेशन जो चल रहा है गाइस, देखो 2023 में ये है अभी PR जिन्होंने इस कैटेगरी में, जिन्होंने जितना नंबर उन्होंने PR करवाना है, फॉर एग्जाम्पल गाइस 1,06,000 के आसपास का नंबर है जी PR के लिए इस कैटेगरी के अंडर। उसमें गाइस स्पाउस 78,000, तो स्पाउस आई थिंक आपके चिल्ड्रन हो गए और कॉमन लॉ पार्टनर, ठीक है ये तो हो गई 78,000 के आसपास का नंबर है गाइस। उसके अलावा आपके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, 28,000 के आसपास का नंबर गाइस उसका है। ठीक है जी, अब बात आती है ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा गाइस। 2025 तक ये प्लान हो रहा है कि हाँ जी 1,06,000 से नंबर बढ़ा के 1,18,000 किया जाए। तो गाइस जस्ट इमेजिन ये ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो गाइस इस चीज को तो स्ट्रेंथन किया जाएगा, सो कीप एवरीथिंग इन माइंड। ये चीजें गाइस निकल के आ रही है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूंगा इस आज की डेट में, देखो जी मेरे पास जो डेटा है उसके हिसाब से जी 16 मंथ्स के आसपास का टाइम लग रहा है जी फोर स्पाउस, अगर आप आउटसाइड कनाडा हो, ठीक है जी, और 14 मंथ्स का टाइम लग रहा है अगर आप इनसाइड कनाडा हो। ठीक है जी, वहीं पे गाइस अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं, 25 मंथ्स का गाइस टाइम पीरियड है। बट हाँ ये भी होता है गाइस, जो स्पाउस की एप्लीकेशन स्पेशली वो कोशिश की जाता है या हो जाता है रिजल्ट 12 महीने के आसपास रिजल्ट आ जाता है, बट हाँ एक्चुअल में प्रोसेसिंग टाइम ये है। ठीक है, तो गाइज आज की न्यूज देखते हैं जी क्या होगी, बिकॉज मुझे लगता है गाइज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर उन्होंने TRV दे दिए गाइज, तो जस्ट इमेजिन जो यहाँ पे PR है उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है अपने स्पाउस को, कॉमन लॉ पार्टनर को, या फिर चिल्ड्रन है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है गाइज, उनको फिर TRV अगर मिल गया तो वही डायरेक्टली आ सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है। जब रिजल्ट आएगा एप्लीकेशन का तब देखेंगे, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है ना, वो आ सकते हैं यहाँ पे अपने नियर डियर वंस के साथ रह सकते हैं भाई, मजा आएगा। बाकी गाइज प्रोसेसिंग टाइम के लिए एग्जैक्ट प्रोसेसिंग टाइम है क्या, वो मैं गाइज एक अलग से वीडियो डालूंगा इस टॉपिक पे, फैमिली इमिग्रेशन की जो कैटेगरी है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी वो वीडियो, क्योंकि हम बताएंगे स्पाउस वीजा के लिए कितना टाइम लग रहा है, PR की बात करता हूँ, चिल्ड्रन के लिए कितना है, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए कितना है, वो एग्जैक्ट गाइज हम नंबर आपके सामने लेके आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी गाइज वो भी। तो गाइज ये चीज है जी, कीप योर फिंगर्स क्रॉस, आई जस्ट विश की भाई बहुत 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 अच्छी न्यूज आए, सबको फायदा करके जाए जी। ठीक है, लेकिन आज का जो मेन फोकस होगा वो कनाडा इमिग्रेशन फैमिली इमिग्रेशन प्लान पे होगा जी, उसी कैटेगरी के लिए होगा। तो जी आप चैनल पे जुड़े रहिए गाइज, जैसी कोई अपडेट आती है, जैसी कोई न्यूज आती है गाइज, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको गाइज ज्यादा इधर उधर ना देखना पड़े, आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए, इनकेस यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी क्वेरीज आप पूछ सकते हो जी।
इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं naib_sangher के नाम से वहां पे, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइस, आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो जी मुख्य दी गल है, आज अनाउंसमेंट होने वाली है जी, हमारे IRCC मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे जी फैमिली इमिग्रेशन के बारे में, बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन, बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट होगी ये कंसिडर किया जा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि हाँ जी TRV वगैरह इशू करेंगे जब जब तक उनकी जो एप्लीकेशन है PR की वो प्रोसेस में रहेगी। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, लेट्स सी क्या होता है, बाकी लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी क्या होता है। आप भी कनेक्टेड रहिए YouTube पे गाइस, आप भी देख लो ना, आप भी देख लो, अगर टाइम है आपके पास, वैसे ही फ्राइडे है ठीक है, सैटरडे स्टार्ट होने वाला है तो गाइस आप देख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है ठीक है जी। तो आप भी देखो गाइस, मैं भी देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करते हैं ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाओ ताकि जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, न्यू अपडेट आती है, मैं न्यू अपलोड करूं कोई भी चीज तो आपके पास पहुंच जाए ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड चिल मारो गाइस ठीक है, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर वीकेंड, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, विनोट टॉपिक अंडर डिस्कशन, स्टे सेफ, स्टे काम, अपना ध्यान रखना गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।